के ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयां। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष और मैं आपको बताऊंगा रिपब्लिक डे से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। रिपब्लिक डे के दिन विशेषकर सरकारी संस्थानों और शिक्षण संस्थानों में तिरंगा झंडा फहराया जाता है और देश के प्रति समर्पित भाव से राष्ट्रगान गाया जाता है। कई जगहों पर देशभक्ति से जुड़े विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इनके जरिए देशवासी हमारे देश के वीर सपूतों को याद करते हैं और उन्हें नमन कर उनके त्याग के प्रति आभारी होते हैं। शहर हों या गांव, हर तरफ राष्ट्रभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई देती है। खासकर बच्चों में इस दिन को लेकर बेहद ही उत्साह देखने को मिलता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि रिपब्लिक डे के बारे में ये सब कुछ जानकर आप भी देशभक्ति के जज्बे से भर उठे होंगे। आपने अपने किसी दोस्त को तिरंगा झंडा बनाते हुए भी देखा होगा, तो क्यों ना इस बार आप भी अपने लिए एक तिरंगा झंडा बनाएं। आप इसमें अपने किसी दोस्त या फिर किसी फैमिली मेंबर की मदद ले सकते हैं। बच्चों, रिपब्लिक डे के दिन देश की राजधानी दिल्ली में विशेष आयोजन होते हैं। इस दिन देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन विशेष रूप से इंडिया गेट से लाल किले तक परेड होती है। इस परेड में तीनों सेना प्रमुखों द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। इंडिया गेट पर आयोजित होने वाली परेड के जरिए देश की सैन्य व रक्षा शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। राजपथ पर इस दिन विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं, जिनमें राज्यों की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलती है। इस दौरान स्कूली बच्चों की भी काफी मात्रा में मौजूदगी रहती है। प्यारे बच्चों, रिपब्लिक डे हमें सारे मतभेदों को भुलाकर एकता और भाईचारे के एक सूत्र में बंधने का संदेश देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे। आप सुनते रहिए किड्यान सपनों की उड़ान।